हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑन पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन ओनली। सर, व्हाई टीसीएस नॉट सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर फॉर निंजा प्राइम स्मार्ट बीपीएस एंड एमबीए कैंडिडेट्स? व्हाई दे ओनली सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर फॉर ऑफर लेटर जुलाई फेज ऑफर लेटर कैंडिडेट्स, डिजिटल ऑफर कैंडिडेट्स? क्योंकि आपको गाइस पता होगा दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन विच आई शेयर्ड अ लॉट्स ऑफ टाइम लाइन फॉर सिलेक्टेड फॉर डिजिटल कैंडिडेट्स हु रिसेंटली गॉट देयर ज्वाइनिंग लेटर ऑन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन 12 दिसंबर गाइज। ओके, एंड आई लाइक मैंने जितने भी आपको मैंने टाइमलाइन शेयर किए हैं, 99% कैंडिडेट्स हु गॉट देयर ज्वाइनिंग ऑन 12 दिसंबर आर फ्रॉम बिलोंग्स फ्रॉम जुलाई फेज कैंडिडेट्स एंड दे हैव गॉट ऑफर लेटर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड दे हैव आइदर दे आर डिजिटल नॉर्मल डिजिटल और अपग्रेड डिजिटल। सो वाई दे आर सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर ओनली फॉर डिजिटल कैंडिडेट्स एंड ओनली फॉर सिलेक्टेड डेट्स इन जुलाई मंथ? सो गाइज, ये मेरे पास काफी लोग आ रहे हैं डाउट्स। आई होप आई नो आप लोगों के ये डाउट्स आ रहे होंगे सर कि जब जुलाई फेज को आ रहे हैं तो अदर मंथ का क्या, हम लोग कब तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या सर हम लोग का नेक्स्ट टाइप एग्जाम देने के बाद होगा? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाई टीसीएस नॉट सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर फॉर निंजा प्राइम स्मार्ट एंड बीपीएस एमबीएससी? गाइस, टीसीएस सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट, एज पर देयर प्रोजेक्ट डिमांड्स, एज पर देयर लाइक व्हाट आर द प्रोजेक्ट दे हैव, ऑन व्हिच व्हाट आर द कैंडिडेट दे वांट, ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर बेस दे आर सेंडिंग ज्वाइनिंग लेटर। पहले क्या था, टीचर सभी को पहले ज्वाइनर सेंड कर दे रही थी, सभी को ऑनबोर्डिंग भी हो गया, बट उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे जो है वो बेंच पर चले जाते थे, इन विच द कंपनी हैव टू पे द सैलरी फॉर द बेंच कैंडिडेट्स आल्सो। ये पता आपको पता ही होगा, और ये चीज कुछ महीनों से टीचर्स ने इसको हटा रखा है। उन्होंने अब ये डिसाइड करा है कि दैट यस, हम लोग ज्वाइनर तभी रिलीज करेंगे जब हमारे पास प्रोजेक्ट का डिमांड्स होगा, लोकेशन अवेलेबिलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग, और जो प्रोजेक्ट हम लोग पास अवेलेबल होगा उसके लिए जिस रोल को हम लोग चाहिए। लेट सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइम वाले कैंडिडेट चाहिए, तो प्राइम वालों को ज्वाइनर आएगा। मान लो हमारे पास, मान लो टीसीएस टीम के पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अवेलेबल जिसमें कुछ सपोर्ट काम चाहिए, तो निंजा वालों को ज्वाइनर आना चालू हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसे वर्क जिसमें एमबीए वालों को जरूरत पड़ने वाला है, तो एमबीए वालों को ज्वाइनर आना चालू हो जाएगा। ऑफर लेटर सभी को आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफर लेटर आपके पास आ जाएंगे। ऑफर लेटर आने के 2 साल तक टीसीएस विदिन 2 ईयर्स डेफिनेटली दे विल सेंड यू ज्वाइनर। 2 साल ज्यादा समय का आपको वेट नहीं करना पड़ता है, मतलब ऑफर लेटर आने के बाद 2 साल, मतलब किसी को 2 दिन में आ जाते हैं, किसी को 2 महीने में भी नहीं आते हैं। तो ये जो टाइमलाइन होता है, 2 साल के अंदर आपके पास ज्वाइनर आ जाता है। बहुत सालों पर 1.5 साल के बाद भी ज्वाइनर आया है, मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो मैंने बताया टाइमलाइन, ये बेसिकली डिपेंड करता है टीसीएस के प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो टीसीएस ज्वाइनर सेंड करती है। अभी मान लो टीसीएस ने अभी डिजिटल को भेजा है ज्वाइनिंग लेटर, क्यों? बिकॉज दे हैव सम प्रोजेक्ट इन विच दे वांट्स ओनली डिजिटल कैंडिडेट्स। अब ऐसा नहीं कि सभी को दे के वो सभी को बेंच बैठा के कुछ कंपनीज को सैलरी पे करेगी। और आपको पता होगा पहले आपका था वर्क फ्रॉम होम, तो टीसीएस का लोकेशन पे कोई दिक्कत नहीं था, सभी बच्चे ऑनबोर्डिंग होने के बाद आराम से काम स्टार्ट कर रहे थे, बेंच पर बैठ रहे थे। आप भी नोटिस करोगे ऑफिस ओपन हो चुका है और सभी कैंडिडेट्स को ऑफिस जाना है, ठीक है? 5 डे अ वीक मैंडेटरी कर दिया गया टीसीएस टीम के द्वारा, और जहां ये बताया गया अगर आप प्रोजेक्ट में हो या ना हो डजंट मैटर, बट यू हैव टू विजिट ऑन डेली बेसिस 5 डे अ वीक, ये मैंडेटरी है टीसीएस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मान लो टीचर सभी को, मान लो कि अभी निंजा प्राइम स्मार्ट बीपीएस मिलाकर मान लो लेट सपोज अभी 5000 बच्चे बचे हुए हैं, 5000 अगर सभी के पास ज्वाइनर आ जाता है तो टीचर्स के पास वैसा एलोकेशन, वैसा प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, अगर प्रोजेक्ट नहीं भी है तो उनके पास लोकेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन विच द कैंडिडेट्स गो विजिट द ऑफिस एंड दे हैव लाइक सीट फॉर द चेयर, यू कैन से पॉइंट। तो अभी क्या है, देखो सीट अवेलेबिलिटी तो हो जाएगा कहीं ना कहीं लोकेशन वाइज, लेकिन जब प्रोजेक्ट ही ना हो तो बेंच पे बैठा के उनको सैलरी पे क्यों करना? इसलिए टीसीएस ज्वाइनर सेंड कर रही है ऑन विच दे हैव रिक्वायरमेंट। अब ये कौन सा रिक्वायरमेंट कब आएगा ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, टोटली टीसीएस के एचआर टीम जो कि प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं, ज्वाइनर सेंड करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल डिजिटल वालों को आ रहा है, अदर रोल वालों को भी आना चालू हो जाएगा डेफिनेटली जब उनके पास, देखो अब बोलो सर टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी, उनके पास तो लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट है, आई नो लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट है, लेकिन उनका भी तो प्रोसेस होता है ना कि सभी को एक बार में तो ज्वाइनर सेंड करे कि नहीं, वो एडवोकेटिंग अ पॉइंट। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू कीप वेट। अब बोलोगे सर डिजिटल में तो केवल कुछ लोगों को ही आया है ना, बहुत सारे लोगों को तो जुलाई फेज में नहीं आया है। देखो अब ये जो मंथ बता रहा हूँ ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वट एवर डेट मंथ, ये टोटली टीसीएस ही डिसाइड करती है। जुलाई वालों का ज्वाइनर आ रहा है, अब नोटिस करोगे तो जिनका मार्च में ऑफर आया था, अप्रैल में ऑफर आया था, उनका ज्वाइनर नहीं आ रहा है। अब बोलोगे सर ये मंथ कैसे डिसाइड करती है, ये टोटली रेंडमली डिसाइड होता है, मंथ रेंडमली डिसाइड होता है, मंथ डेट रेंडमली डिसाइड होता है, और
और ये जो रोल होता है, जो सॉरी जो ये डिजिटल आना है, डिजिटल को भेजना है, निंजा को भेजना है, प्राइम को भेजना है, ये डिपेंड करता है, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, उन पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट एलोकेशन वगैरह वगैरह उन पर डिपेंड करता है। और सर क्या नेक्स्ट आईपी एग्जाम होने के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो पहले एक पहला आईपी एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट आया नहीं, फिर उसका रिजल्ट आने दो, तभी नेक्स्ट डेट अपडेट होगा। लेकिन हाँ देखो, आईपी एग्जाम के बीच में 2 महीने का गैप होता है, तो नेक्स्ट आईपी जब भी आपको मिलेगा, फर्स्ट आईपी एग्जाम के 2 महीने या फिर 1.5 महीने के बाद आपके पास अपडेट्स आएगा, ठीक है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और जब भी आपका जो इंटर जनरेट होगा, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पोर्टल पर शो कर जाएगा, तो आप लोग नेक्स्ट पोर्टल को विजिट करते रहना, ठीक है। और जुलाई में भी सभी डेट्स के रिलीज नहीं हुए गाइस, 13, 15, 17, 21, 23 कुछ ऐसे डेट्स हैं जिनके पास अभी तक जो इंटर नहीं आया है, ऑफर लेटर जुलाई के मंथ में आया है, जो जिनके पास नहीं आया है जुलाई में आना चालू हो गया, तो आपके पास होप करते हैं कि आपका भी एक नंबर लकी नंबर आ जाए, आपका जो डेट है उस दिन के लोगों को भी आ जा देखने को मिल जाए जो इंटर, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन होपफुली आने समय डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेगा, मैं आपको प्रॉपर अपडेट्स करता रहूंगा। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा, जो भी डाउट्स कमेंट पूछे लगा, मिलते हैं जय हिंद जय भारत।